अगर आपके बच्चे अभी किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और उनकी सिलेक्शन अभी तक नहीं हुई है, तो अपने बच्चों के ऊपर शक ना करें, उनके ऊपर उतना ही प्रेशर डालें जितना कि वो सह सके। क्योंकि आज के दिन में इस देश के अंदर में गवर्नमेंट जॉब के अंदर में कंपटीशन इतनी बढ़ चुकी है कि सिर्फ 5,000 या 2,000 वैकेंसीज के लिए लोग 80 लाख 70 लाख फॉर्म अप्लाई करते हैं। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक सफाई कर्मी के लिए लोग, ग्रेजुएट लेवल के लोग जो पीएचडी करते हैं, कर्मचारी लोगों जो होते हैं उनके लेवल के एग्जाम के लिए पीएचडी होल्डर, इंजीनियर, ग्रेजुएट लेवल के लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, वो भी 2-2 लाख 4-4 लाख। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भाई बिना पढ़ाई लिखे से कुछ कहाँ से जान निकल सकती है, आपको बिना पढ़ने, आप बिना पढ़े एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर सकते हो, कंपटीशन कैसे आप क्वालिफाई कर सकते हो। तो भाई बिल्कुल आपकी बात से हम सहमत करते हैं कि बिना पढ़े लिखे आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। लेकिन दूसरी पॉइंट आपको ये भी मानकर चलना होगा कि 70 लाख 75 लाख जो बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं 5,000 वैकेंसीज के लिए, उसमें से सभी के सभी बच्चे बेवकूफ़ थोड़ी होते होंगे, पढ़े लिखे तो होते होंगे भाई। ऐसे तो नहीं होते कि बिना पढ़े लिखे वो एग्जाम में चल जाते हैं एग्जाम हॉल में लिखने के लिए। चलिए मैं आपकी बात को मानता हूँ कि 25% बच्चे ही पढ़े लिखे होते हैं, वो भी अपनी प्रिपरेशन करते होंगे। तो भाई 20 लाख बच्चा भी अगर लायक है गवर्नमेंट जॉब की, तो आप अगर आइंस्टाइन भी बन जाओगे ना दोस्त, तो मात्र आपको 2,000 का ही वहाँ पर सिलेक्शन होने वाली है, बाकी सब रिजेक्ट हो जाओगे आप। फिर वही चक्रव्यूह में आप पे पड़ जाओगे कि अगले साल वैकेंसीज निकलेगी, फिर अप्लाई करेंगे, नहीं हुआ तो फिर अप्लाई करेंगे। इस बात को आप क्या समझ पाते हो कि आपके बच्चे में कुछ चीज़ें कमी है?